साइकिल अब सिनेमा घरों में कल से तेजी से दौड़ने वाली है, तो आप बताइए कि सर कितने एक्साइटेड है इस मौके को लेकर एंड आपकी डेब्यू को लेकर। मेरी डेब्यू तो क्या कहेंगे, मतलब हाँ ये तीसरी फिल्म है एज एन एक्टर, बट फिल्म के लिए मैं एक्साइटेड ज़रूर हूँ कि मुझे कहानी बहुत अच्छी लगी थी और बहुत समय के बाद एक सिंपल सी कहानी में बहुत सारी बातें कहने को मिल रही थी, तो इसको करने में बहुत मज़ा आया। संजोग से इसमें मेरा काम सिर्फ मट्टो बनना था, तो जो कुछ भी बन पाया उस हिसाब से मट्टो बन करके उस रोल को पूरा किया। फिल्म को लिखना बनाना, इसकी प्रोडक्शन, ये सब दूसरे लोगों के हाथ में थी। गनी साहब ने इसकी डायरेक्शन की थी और अब लोग कैसा मेरे काम के बारे में कहेंगे, फिल्म के बारे में कहेंगे, इस बात को जानने की उत्सुकता तो है ही। तो आजकल का जो दौर चल रहा है सर, उसमें जो है बड़ी बड़ी फिल्में आ रही हैं, तो सर आपकी ये जो छोटे बजट की फिल्म है तो क्या लग रहा है इसके ऊपर, कितनी होप है आपको क्या? फिल्म बड़े बजट की हो छोटे बजट की हो, फिल्म की कहानी और फिल्म अच्छी लगनी चाहिए और दर्शक को सिनेमा आना चाहिए। दर्शक एक बार सिनेमा आ जाएगा, देखेगा, उसके बाद हाँ ना अच्छा बुरा बोल सकता है। हमारी कोशिश है आपके जरिए दर्शकों तक पहुँचने की और उम्मीद है कि दर्शक आएंगे और दर्शकों को अच्छी लगेगी। और है ही है, मेरी फिल्म छोटे बजट की फिल्म है बट कहानी बड़ी है। मुझे उम्मीद वही है कि क्योंकि जब कहानी आप अच्छी कहेंगे और अच्छी तरह से कहेंगे और उसमें कहने को सुनने को कोई बात होगी तो वो ज़रूर अच्छी लगेगी लोगों को। और मुझे हमेशा यही उम्मीद रहती है अपने ऑडियंस से, चाहे मैंने फिल्में लिखी हों, बनाई हों या फिल्मों में काम किया हो। थैंक यू। जी जी बिल्कुल, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और आप लोग भी उस मेरे इस उत्साह को बढ़ाएं और कल 16 सितंबर से सिनेमाघरों में आएँ और देखें ये पिक्चर। ख़ास तौर से आपको थोड़े दिनों के बाद थोड़ी एक अलग तरीके की पिक्चर देखने को मिलेगी। सो साइकिल अब दौड़ने के लिए रेडी है यार, उम्मीदें तो हमें साइकिल से बहुत हैं, मतलब अब उम्मीदों के तरीके क्या हैं वो एक अलग बात है, समझना पड़ेगा। हम एक अच्छा सिनेमा, ईमानदार सिनेमा बनाने की कोशिश करी है और वो पब्लिक उसे कितना प्यार देगी ये पब्लिक के ऊपर है। हमने अपनी पूरी ईमानदारी से एक फिल्म बनाने की कोशिश करी और हमने बनाई है। प्रकाश झा जी की बात की जाए अगर, तो मतलब उनको डायरेक्ट करना, मतलब ये खुद डायरेक्टर रह चुके हैं, उनको डायरेक्ट करना कितना मुश्किल था? नहीं नहीं एकदम मुश्किल नहीं था, क्योंकि झा साहब की और हमारी बॉन्डिंग एक कहानी को लेकर हुई थी और उनका यही था कि आप जो कहानी बनाना चाहते हैं गनी, आप वो कहानी बनाइए, तो और आप उसमें ज़रा भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करिएगा, यही बात अच्छी थी कि और वो अपना काम बहुत ईमानदारी से एक्टिंग वाला संभाल रहे थे। मेरा काम था उस सबको कहानी को देखना, उसको डिज़ाइन करना, उसे बनाना, तो हम दोनों ने बहुत मेहनत से ईमानदारी से अपना अपना काम किया है और उसके नतीजे आपके सामने हैं कि जहाँ सा मट्टो आपके सामने नज़र आ रहे हैं। सर सामने सर।
चलिए रोल शरीफ भाई आइए आइए सर। शारिक लोगों को आपको भी हमने देखा है बिल्कुल बिल्कुल एक तो मैंने ट्रेलर देखा है और प्रकाश जी के बारे में क्या कहें, उन्होंने जो फिल्में बनाई है हम उनके एक्चुअली उनके एज ए डायरेक्टर बहुत बड़े फ़ैन हैं एज ए राइटर डायरेक्टर। और जब उन्होंने ये ट्रेलर दिखाया मुझे तो ताज्जुब ये हुआ कि एक डायरेक्टर जब बताता है कि किरदार ऐसा करो तब तो अच्छा ही लगता है, लेकिन खुद वो एक्टर बनाए और वो एक्टर मतलब कैरेक्टर के इतने नज़दीक है, वो जो हम कहते हैं ना कि कैमरा के लिए रियलिज्म के पास रियलिटी के पास आना चाहिए, इतना रियलिटी के पास है कि आज मैं देखने आया हूँ कि भाई पूरी फिल्म में एक्चुअली उसका अनुभव लेने आया हूँ। जी जी देखो एक्टिंग जीवन के करीब होती है पर मेन स्ट्रीम सिनेमा की अपनी एक थोड़ा सा रियलिज्म से ऊपर रहकर एक मनोरंजन के पास जाने वाला अभिनय होता है और वही यहाँ अर्थपूर्ण अभिनय किया जाता है। तो मुझे लगता है कि ईमानदारी रखे और मेहनत की तैयारी रखे और जल्दी से मायूस ना हो। मुझे लगता है कि एक हमने जैसे टॉप गन देखा हुआ है, उसके पहले हमने एक फिल्म देखी थी गोविंद नीलानी ने बनाई थी, शशि कपूर ने प्रोड्यूस की थी, विजेता। तो उसके बाद अगर हमने फाइटर जेट प्लेन्स देखे हैं, मुझे लग रहा है कि अपने स्क्रीन में दिखाना स्पेशल इफेक्ट्स के थ्रू, मुझे तो अपना किरदार जो कि मुझे ऐसा लगता है नेशनल डिफेंस पे जो अजीत देवल जी के से इंस्पायर था वो करने में बहुत बड़ा और बहुत मेहनत की मुझे लगता है हमारे। और मैं खुश रहा अपने आप को थोड़ा सा नीट ट्रीम टाई वाई लगा कर, मज़ा आया था कल। मैं चाहूँगा कि लोग ये फिल्म देखे, बहुत ही ईमानदारी से बनाई हुई फिल्म और ऐसी फिल्में है ना काफ़ी सालों के बाद बनती है तो इसलिए मौका ना छोड़े और सिनेमा घरों में जाके देखने की कोशिश करें। तो वैसे तो नहीं तो OTT पे हम देख ही रहे, तो अपने यहाँ फिल्में जब बनती है तो वो हमने थिएटर में जाके देखनी चाहिए। अरे क्या हम लोगों में कंपटीशन करवा रहे हैं, प्रकाश जी इतने बड़े डायरेक्टर हैं, वो मुझे कंपटीशन में मत खड़ा करिए उनके साथ, मुझे बहुत काम करना है उनके साथ। प्रकाश जी बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं और जब एक डायरेक्टर एक्टिंग करता है तो उसको फिल्म की बारीकियों के बारे में बहुत मालूम होता है और प्रकाश जी बहुत अच्छे एक्टर हैं, हम पहले भी देख चुके हैं। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ और आज बारिश बहुत हो रही थी, मुझे लग नहीं रहा था मैं पहुँच पाऊँगा, लेकिन चलिए इत्तेफाक से ऐसा हो गया कि मैं यहाँ पहुँच गया हूँ और अब मैं फिल्म देखने के लिए बहुत उत्साहित हूँ। ट्रेलर बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा ट्रेलर है और मुझे उम्मीद है कि ट्रेलर से कहीं ज़्यादा अच्छी है फिल्म। एक्सपेक्टेशन क्या रखते हैं, अभी बताया मैंने आपको, अच्छी फिल्म देखने आया हूँ, अच्छी फिल्म देख के जाऊँगा। थैंक यू सर। अरे कितने बोला ना, इधर से मार भाई।
मुझे हमेशा लगता है कि जो निर्देशक अपने एक्टर्स को इतनी अच्छी तरह से बता सकते हैं कि कैसे परफॉर्मेंस देनी है, उनको कैमरे के सामने देखना हमारे लिए ट्रीट होगी। काफ़ी सारे डायरेक्टर्स को एक्टर होते हुए हमने देखा है, लेकिन प्रकाश जी फुल लेंथ रोल में पहली बार हमारे सामने एक्टर के तौर पे आ रहे हैं, और मुझे लगता है उनको सपोर्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमारी ट्रीट वसूल करने के लिए आना बनता ही है। सॉरी, क्या एक्सपेक्टेशन लेके आई हैं? मुझे लगता है एंटरटेनमेंट, क्योंकि अच्छा लग रहा है कि हम थिएटर में आ पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक अच्छी फिल्म OTT पे देखने मिल रही है, बल्कि थिएटर में देखने मिल रही है, तो एक्सपेक्टेशन ये है कि अच्छी एंटरटेनमेंट होगी। मेरा एक क्वेश्चन है, ये फिल्म साइकिल के ऊपर है, मतलब कोई इमेजिन भी कर सकता है कि साइकिल के ऊपर भी कैमरे मिल सकती है, क्या कहना चाहेंगे इसको? मैं साइकिल के बारे में बहुत पैशनेट हूँ, क्योंकि मेरी ज़िंदगी मैंने साइकिल पर गुजारी है। आई एम फ्रॉम पुणे। मैं साइकिल के बारे में बहुत पैशनेट हूँ क्योंकि मैंने मेरी ज़िंदगी साइकिल पर गुजारी है। मैं पुणे से हूँ, तो साइकिल चलाती आई हूँ स्ट्रगलिंग डेज तक, और अभी भी मेरे पास साइकिल है। अब खैर, अभी ट्राइथलॉन्स के लिए है, लेकिन ये साइकिल देखने के लिए बेकरार हूँ। थैंक यू। अरे हम इधर ही, अरे आप कहाँ जा रहे हैं? हम तो इधर ही है। जहाँ आप, हम नहीं, आप जहाँ आप होंगे वहाँ मिलेंगे। आपके प्रेयर में पूरा ना, अरे हटा दे इसके बाहर का, ना इसका लेने रहे बहुत कर की जरूरत, बहुत कर की जरूरत। जा भाई, क्या एक्सपेक्टेशन लेके आई हैं इस बार? थोड़ी है, इससे पहले भी उन्होंने कई बार एक्टिंग की है, और इनफैक्ट मैंने उनको उस मूवी में देखा था, उन्होंने कितना अच्छा परफॉर्म किया था, तापसी एंड दिस वन नहीं, दो शूटर शूटर्स की कहानी थी। अच्छा, हाँ, वो सांड किया, सांड किया, तो उसमें भी उन्होंने कितना अच्छा परफॉर्म किया था, वो फिल्म ही बहुत अच्छी थी, तो इस बार तो वो फुल फ्लेज्ड परफॉर्म कर रहे हैं। मैं अभी मिली उनसे, आई कंग्रेचुलेटेड हिम, तो उनके साथ एक अच्छा कनेक्शन, एक अच्छा रैपो बन गया है, सो आई एम वेरी एक्साइटेड एंड थ्रिल्ड टू सी, एंड आई एम श्योर इट्स गोना बी फैब। थैंक यू, थैंक यू। पिक्चर मिस हो जाएगा, पिक्चर मिस हो जाएगा। काम करने के लिए आ गया इधर, हाँ सही, एक बार प्रकाश सर साथ में आइए ना, हिना जी, हिना जी, ओ हिना मैम, एक बार आइए ना, ये क्या बात, बस बस, अरे नहीं बोला हम लोग के ना भाई, बोला हम लोग के ना सर, यहाँ पे
प्रकाश सर जो थे वो मेन थे हमारे, जो हमको गाइड करते थे, और आज उन्हें यहाँ पे देखते हुए मतलब आई एम एक्सट्रीमली एक्साइटेड एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट ही चोज अ स्क्रिप्ट लाइक दिस टू डेब्यू इट. ओके, थैंक यू सर. मैं ये जो मतलब मेरा एक्साइटमेंट का सवाल है, खुशी है दैट आई मीन ऑफ कोर्स प्रकाश हैज बीन अ वेरी वेल रिनाउंड डायरेक्टर और अभी ये खुद एक्टिंग करने जा रहे हैं, तो मुझे बहुत आई एम एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग हिम एक्ट. आई थिंक इट्स गोइंग टू बी समथिंग. मैंने फिल्म का ट्रेलर देखा है तो मुझे बहुत पसंद आया, और ट्रेलर देख के लगा कि ये उस तरह की फिल्म है जिस तरह की फिल्में मैं पसंद करती हूँ, तो बस एक्साइटेड अबाउट इट. मैम, आपको लगता है कि फिल्म देखने के बाद जो है आपको जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स है, जो लेबर वर्कर्स है, एक बार उनके बारे में भी सोचने का मौका? यार मेरे को फिल्म देख के उनके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है. पर्सनली आई थिंक मैं जिस तरह की इंसान हूँ, जिस तरह से मैं जिस तरह का काम भी करती हूँ, मेरी समझ और सोच सबके लिए रहती है. बट येस, सिनेमा का ये पर्पस होता है कि हम अलग अलग रिप्रेजेंटेशंस पे ध्यान दें. So this film will surely be a reflection of that and a representation of that. आपका लुक काफी डिफरेंट है, लाइक डिफरेंट स्टाइल की है. जी नहीं, किसी फिल्म के लिए नहीं, ये मेरी जो निजी जिंदगी है उस फिल्म के लिए है. ये दिस इज रियली फॉर मी. अभी फिलहाल मैं किसी चीज के लिए स्पेसिफिकली शूट नहीं कर रही हूँ, तो मुझे मौका मिला है कि मैं खुद अपने साथ एक्सपेरिमेंट कर सकूँ. सो इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ दैट. थैंक यू.
एटमोसफेयर सेटअप किया है, बहुत
बहुत अच्छा लग रहा है बिकॉज ऐसा लगता है गांव में घूम रहे हैं और वहीं कुछ चल रहा है, वहीं कुछ हो रहा है, सब ये लोग सब गांव के हैं और एक्टर्स लग नहीं रहे. बहुत इट्स बीन सेट अप वेरी वेल और डायलॉग्स एंड प्रकाश's पोर्ट्रेयल ऑफ मट्टो बड़ा अच्छा लग रहा है. प्रकाश झा जी को अब तक हमने प्रकाश की एक्टिंग बहुत अच्छी बीइंग अ डायरेक्टर फर्स्ट टाइम मेजर रोल करना. पहले भी मैं थोड़ा बहुत देख चुकी हूँ बट दिस इज वेरी नाइस टोटली नेचुरल. सो डू यू थिंक कि ये फिल्म देखने के बाद लोगों का जो है नज़रिया बदलेगा कंस्ट्रक्शन को? हर फिल्म कुछ ना कुछ अवेयरनेस किसी न किसी मुद्दे पर अवेयरनेस तो क्रिएट करती ही है. सो ये डेफिनेटली बहुत सेंसिटिव सब्जेक्ट है और मैं फिल्म देख रही हूँ, बहुत पहले देखी थी जब फाइनल नींद गई थी, तो आज मैं पूरा देख. थैंक यू, वेरी हैप्पी टू सी दिस. थैंक यू.